हर सफर का एक रास्ता होता है और हर रास्ता कभी ना कभी एक मोड़ पे आता है और सिर्फ एक ही चीज चुननी होती है और वो मोड़ हमारे लिए भी आ चुका था, पर किसी को नहीं पता था कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चंद्र ग्रहण इंसानियत को सदियों से चौंकाता आया है। इंसान और चांद का रिश्ता हमेशा से ही मजबूत रहा है, क्योंकि कुछ प्राचीन संस्कृति में ये सिर्फ बुरी खबरों के बारे में बताता है। क्या तुम लोग देखोगे? हाँ, मैंने YouTube पे देखा है। मैं ये अपने पापा के साथ देखने जाऊँ। मेरे पास तुम्हारे लिए वेल्डर वाले चश्मे हैं घर पे, चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, क्योंकि वेल्डर चश्मे सूर्य ग्रहण देखने के काम आते हैं, चंद्र ग्रहण नहीं, और वो इतने भी अच्छे नहीं होते हैं डबल रिफ्लेक्शन की वजह से। डबल क्या? डबल रिफ्लेक्शन। अच्छा, यानी कि प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार जो रोशनी की वजह से होता है और खूबसूरत लगता है। इडियट। जाता है कि चंद्र ग्रहण भगवान की लड़ाई और आसमान में युद्ध होने का परिणाम है। ये कहानी बहुत ही पुराने काल की है, लेकिन कहानियों को छोड़ के ये ग्रहण सबसे लंबा और सबसे ज्यादा शानदार चंद्र ग्रहण होगा। तो आज रात को अपना सर उठाएं और आसमान में देखिए और इस लम्हे को जिए। भूलिएगा मत, नहीं तो आपको 20 साल इसका इंतजार करना होगा। सुनो बेस, तुम भी देखोगी? मुझे पता नहीं। शायद किसी के साथ। क्यों? एक बार फिर बता दूं, ये ग्रहण सबसे लंबा और सबसे ज्यादा शानदार चंद्र ग्रहण होगा। तो आज रात अपना सर उठाए और आसमान में देखे और इस लम्हे को जिए। भूलिएगा मत, नहीं तो आपको 20 साल इसका इंतजार करना। जोसेफ, क्या इसे थोड़ा तेज चला सकते हो? मैं इस खटारे में बोर हो रहा हूँ। वैसे ये खटारा तुम्हारे नानी की उम्र की है, समझे? ये तो और अच्छी बात है, और पुरानी खटारा। दोस्तों सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक पहेली है, तो बोर करो हम लोगों को। ऐसा क्या है जो हमारा पीछा करता है पर छुपा हमारी रहता परछाई है अंधेरे में? तुम्हारी इंटेलिजेंस कोशेंट ने फिर से तुम्हें बेवकूफ बना दिया। हे, मेरे पास भी एक पहेली है जो तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। चलो सुनते हैं। 7 अक्षरों में मेरा नाम है, बिल्कुल सख्त मेरा मिजाज है, ना रोक सके मुझे कोई तूफान, ना अजगर ना कोई राक्षस, वो भी बिना मेरे हथियार के। अब मेरे शब्दों पर ध्यान से विचार करना। पुण्य और बड़प्पन देखो कुछ भी नहीं है डर के बिना। यहाँ तक कि राजाओं के राजा के लिए जिसके पास सोने की तलवार है, जो धन्यवाद करता है वही जीता है और गरज कर शासन करता है। कौन हूं मैं?
कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया क्या? Really? हमें वापस जाना होगा? नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। सब अंदर ही रहना। आह, अरे बाप रे। जरूर इस पर कोई गाड़ी चली होगी। आखिर है क्या? हमें मदद करनी चाहिए? नहीं, जरूर उससे बदबू आ रही होगी। हाँ, जैसे तुम्हारे शरीर से आती है। तुम बहुत घटिया हो। मुझे पता है। पता है मैंने सुअर की सवारी की थी। इसकी कहानी फिर से शुरू हो गई। अब जो भी हो, तो मैं इस सुअर पे था और वो बड़ा था, तो मैंने उसके कान पकड़े। उसने दौड़ना शुरू किया और मैं उस पर बैठा हुआ था। तो मैंने पीछे पलट कर देखा और उनका पूरा झुंड था। तो क्रिस पीछे संभाल रहा है झुंड को और फिर उसके बाद। गुड इवनिंग। Sit down. बस शांत रहना दोस्तों, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गलत जवाब। और तुम अब जल्दी से बैठ जाओ और गाड़ी चलाओ। अब सिर्फ मैं यहां बोलूंगा, ओके? समझ गए बच्चों?
सुनाई नहीं दिया क्या? कुछ बोलो। समझ गए। ठीक है, आज्ञाकारी चूसे। और तुम वहां बैठो, और तुम गाड़ी चलाओ। ये वही है, वहां वो था मार्क, उस लड़की को किस कर रहा था, वो चिल्ला रही थी, तो मैंने बोला उसे अकेला छोड़ दो, और उसने अपनी सड़ी सी शक्ल दिखाई और बोला कॉल कैंटीन वहां उस तरफ है, और वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ था। और लगता है कि तुम्हें डर नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसको गिराया और फिर सीधा पेट पे लात मारी, फिर दूसरे को एक मुक्का मार के छोड़ दिया। हाँ, लेकिन तीसरे ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसको भी मार के गिरा दिया और चौथे को फेंक दिया, और आखिरी वाले को पहलवान की तरह मार गिराया। खून और तबाही सब जगह। KO, मुझे किस मिली? सुपर हीरो की तरह? इस तरह। माफ करना। क्या ये वही है? यस, हम इस आदमी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसके पहले कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसकी नजर बच्चों पर है। मुझे पता नहीं कि इसकी वजह क्या है, पर वो बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ता है। पर तुम तो सुपरमैन हो, डोंट वरी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से अपने अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दो। तुम भी? मैं नहीं फेंकूंगा। रेजी, वो जैसा कह रहा है वैसा करो। चुप करो। उसने बिल्कुल सही कहा। देखो, ये खेल खेलने का वक्त नहीं है, इसमें गोलियां हैं, और मुझे मौत का खेल खेलना बहुत पसंद है। चुप हो जाओ पागल। ये बेडरूम में क्या है? बच्चों को मारने वाला। कौन? बच्चों को मारने वाला। तुम पूरे पागल हो। लोग भी यही कहते हैं, और मुझे जेल में मजा आता है। तुम्हें भी एक बार जेल में जाना चाहिए। गुड बॉय। इन मोबाइल्स ने तुम सभी बच्चों को बिगाड़ दिया है, और अब सब आराम से सो जाओ। हमारा सफर थोड़ा लंबा है, तो इसका मजा लो। कल कुछ बड़ा करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? नोलन। नोलन? नोलन पार्कर। नोलन पार्कर,
ऐसा लगता है किसी कार्टून का कैरेक्टर है। बचपन में मुझे कार्टून्स बहुत पसंद थे। सारा दिन मैं टीवी देखता था और मौका मिलता था तो कॉमिक्स पढ़ता था और सिगरेट पीता था। बस क्यों रुक दी? बस कैसे रुक गई? मुझे नहीं पता, ये अपने आप ही रुक गई है। ठीक है तो इसे चालू कर दो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ये ठीक नहीं होगी क्योंकि इसकी मोटर खराब हो गई है। नहीं नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। जल्दी से गाड़ी चालू करो वरना एक गोली चलेगी और इसका सर बूम। ठीक है तुम सबसे पहले शांत हो जाओ। शांत हूं, मुझे शांति पसंद है। तू बाहर निकल। ठीक है। और तुम होशियारी नहीं दिखाओगे। वो हमें मार देगा, हम सबको मार देगा। वो बहुत बड़ा पागल है। हमें उसकी बंदूक लेनी होगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी हीरो बनने की कोशिश मत करो। वो हमें गोली मार सकता है बिना सोचे समझे। हाँ बात तो ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सही वक्त के लिए रुकेंगे। क्या हुआ? मैं नहीं जानता, लगता है इंजन खराब हो गया है। जाकर देखो कि वो क्या है। ये मेरे पास ही रहेगी। Thank you.
नहीं, जब जा बैठ जाओ। मैंने कहा हमें उनकी मदद करनी होगी। मुझे सोचने दो, बैठ जाओ, जल्दी जाओ सीट पे बैठो, जाओ जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, वजह से हम यहाँ अटके पड़े हैं। अगर किसी ने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं गोली मार दूंगा, समझ गए? शह चापिया दोषी के पास रह गई। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इट्स अ शो टाइम, अब तू जाएगा और चाबी लेकर आएगा, चल जा। उसे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। तो जल्दी जाओ। बस नहीं, अगर उसने कुछ भी होशियारी दिखाई तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। चलाओ इसे। मैं कुछ भी स्टार्ट करने नहीं वाला और मुझे ये नहीं चलाने आता। यस, तुम ठीक हो? और जोसेफ? जल्दी करो, वो बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने काटा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? इस खटारे को चलाओ। क्या तुम अंधे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं खुद को गोली चलाने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कार, हमें कुछ करना होगा। देखो, अगर एक मिनट के अंदर तुमने इस खटारे को चालू नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को गोली मार दूंगा और शुरुआत होगी इस बैटरी से। तो जल्दी करो। उसका नाम आईक्यू है और ये खटारा मेरे दोस्त जोगी है। आगे बढ़े तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे वो स्मेल आ रही है, मुझे वो स्मेल आ रही है जब एक छोटा बच्चा खुद को हीरो बनाना चाहता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गोली मार देता, नहीं तो तुम्हारे दोस्त हीरो बन जाएंगे। समझे? मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं जेल से इसलिए नहीं भागा कि छोटे से डब्बे में मर जाऊं। Thank you.
चलो अपना मुखड़ा दिखाओ। कौन हो तुम बताओ? बहुत हुई लुका छिपी। बाहर आओ, कौन हो तुम? ला 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 ला। यार हम फंस चुके हैं, धत तेरी की। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है? वो मर गया है, उसने गोली चलाई है। और हम भी मर सकते हैं अगर तुम शांत नहीं हो जाओ तो। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आवाज मत करो। हम फंस चुके हैं एक सुरंग में, हम मरने वाले हैं यार, हम मरने वाले हैं एक एक करके। शांत हो जाओ, कोई तरीका होगा बचने का। हाँ एक तरीका है, और वो तरीका है इस गधे को चुप करवाना। रजी शांत हो जाओ। नहीं होगा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? रजी शांत हो जाओ प्लीज। बस करो, तुम मुसीबत को और बढ़ा रहे हो। ये क्या था कोई बताओ, ये सच में बहुत डरावना था। नहीं 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 नहीं, वो इंसान के हाथ, वो इंसान के हाथ नहीं थे। ये इंसान नहीं है, वो पक्का इंसान नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा अब भी। चालू हो जाओ प्लीज, चालू हो जाओ प्लीज, प्लीज चालू हो जाओ प्लीज। बहुत कोशिश कर ली, अब तुम बस शोर कर रहे हो। कर रहा हूँ तो क्या, हमें शोर करना है, इतना शोर करना है कि बाहर कोई सुन ले। यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हमें इसे खुद ही लड़ना होगा। हाँ अगर हम साथ में काम करें तो हम जिंदा बच सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बेकार है। मतलब ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ इस बस से निकलना है और अपने घर जाना है। हम भी यही चाहते हैं रेजी। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे? Thank you.
रजी कम ऑन, रजी, रजी सुन सकते हो, तुम ठीक हो? कोई आवाज मत करना। अगर तुम्हें दिक्कत है तो वापस चले जाओ। चुप हो जाओ और चलते रहो। हमें बस चलते रहना चाहिए। हमें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। यप, ये बहुत डरावनी जगह है। बस शांत हो जाओ, ये एक डरावने सपने जैसा है। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ चलो। ये कैसी जगह है? पता नहीं। ध्यान से, ठीक है? हम है कहां? तुम चुप रहो और चलते रहो। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। गाइस, क्या हम रुक सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ यार। मैं और नहीं चल सकती। रुक जाओ। ओके, हम यहाँ रुक सकते हैं। काल, तुम पीछे का दरवाजा बंद करो। हाँ। रजी, कैंडल्स जला सकते हो? हाँ, ठीक है। और कुछ बाकी है? सॉरी। okay.
क्या ये इस जगह का मैप है? मिलिट्री की जगह लग रही है। हमें कंट्रोल रूम ढूंढकर जनरेटर चालू करना होगा। मैं तुम सबको डिनर पर ले जाऊंगा अगर तुम यहाँ एक भी चीज ढूंढ लो जो काम कर रही है। तो तुम अभी से टेबल बुक कर लो, बिकॉज़ क्यों नहीं, कभी गलत नहीं होती। मैं कर भी लेता अगर मेरे पास मेरा फोन होता। बेचारा जोसेफ, वो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता था। बेचारा जो, हाँ वो मेरे डैड को जानता था। हाँ दोनों साथ बास्केटबॉल खेलते थे। वो बास्केटबॉल खेलते थे? हाँ अच्छे प्लेयर थे, एकदम जो जैसी हाइट है। तुम्हारे पापा को पहले कभी नहीं देखा, तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 2 साल पहले। काफी मुश्किल होगा ना? उन्हें फंसाया गया था, वो अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो जेल में है। ये लाइटर तुम्हारे पापा की थी? हाँ अच्छी। तो हम कहाँ हैं? तो हम यहाँ पर हैं। ये जगह बहुत बड़ी है। नक्शे के हिसाब से कंट्रोल रूम वहाँ पर है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाँ मैं जाता हूँ। मैं यही रहूंगा। मुझे लगता है मैं भी यही रहूंगा। hey, देखो रेजी, तुम यही रहो और मैं नोलन के साथ जाती हूँ। गुड लक। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही मत करना। अरे यार। कंट्रोल रूम ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक चूहा था। तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि कंट्रोल रूम पास में ही है। ठीक है। मुझे लगता है कंट्रोल रूम इधर ही होगा। पहले सीधा जाना है और फिर राइट लेना है। लेफ्ट नहीं? हाँ माफ करना, मुझे रास्ते समझ नहीं आते। पर तुम्हारी ड्राइंग तो अच्छी रहती है। तुम्हें लगता है? या, मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी है, काफी अच्छी है। शुक्रिया। मेरी मम्मी भी पेंटिंग करती है। सच में? मतलब जैसे क्या? हर तरह की चीजें। सीनरी में मेरी सबसे पसंदीदा वाली मेरे बेड के ऊपर लगी है, वो एक समंदर की है, नीला आसमान और एक टापू। सुनकर अच्छा लगा। चलो 5 6 5 6 7 8। दू 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 मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मैं एक बर्गर के लिए मर रहा हूँ यार। हाँ तुम तो डेफिनेटली। बूम, एक चिकन टिक्की, बूम, और लच्छे प्याज, बूम, टिंग टिंग टिंग, ऊपर चटनी मजा ही आ जाएगा, बूम, 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 और एक अच्छी कोल्ड ड्रिंक। हाँ पता है कि तुम मोटा है और कितना बताएगा। बूम चिकी 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 पूम। आवाज बंद करेगा कि? अरे यार तुम मेडिटेट करना बंद करो। गाइस एक मिनट, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। गाइस बंद करो। अरे रो क्यों रहे हो?
क्या बोला? गाइस, वो एक मसाज था। बंद कर, बंद कर, गाइस, गाइस, क्या? मुझे अभी बाथरूम जाना है। अरे यार। तो क्या मेरे साथ कोई चलेगा? वाह 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 वाह। ये क्या है? ये लाइट के स्विच है। तुम्हें याद है उस चीज को लाइट से डर लग रहा था? किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। लगता है उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। हमें वो स्विच बोर्ड ढूंढना होगा। यहां सही है। ठीक है। घूम जाओ। घूमने की क्या जरूरत है, मैं यही ठीक हूँ। तुम सच में बेवकूफ हो। घूम जाओ। मैंने कहा उस तरफ घूम जाओ। दूर जाओ, और भी दूर। इतनी दूर भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा जल्दी करो, हमें काल के पास जाना है। तुम वैसे गुस्सा होती हो तो काफी क्यूट लगती हो। तुम्हें और गुस्सा करना चाहिए। क्वीनी, हो गया क्या? क्वीनी, वो नहीं 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 नहीं। काल, उसे पकड़ लिया। वो इधर ही कहीं होना चाहिए। ये रहा। क्वीनी, ये मेरी गलती है। क्वीनी, वहां देखो। कहां हो तुम? आईक्यू, अरे अरे यार, आईक्यू, क्वीनी, 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 निकलो यहाँ से, निकलो, 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 चलो, निकलो, निकलो। मदद करो। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रेजी कहाँ है? Thank you.
रेज। नहीं, रेजी। उन्हें जनरेटर मिल गया, उन्हें ढूंढना होगा। बहुत अच्छे। तुम्हारा अंत, मेरी शुरुआत। 9th February 2000। अब हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। देखो गाइस, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी नहीं, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। तो दोस्तों, मिलिए जूलियस शार्पी से। तो सिर्फ हमने इस चीज को नहीं देखा है, वो उसे प्रेरित था। डरावनी चुड़ैल बुलाता था उसे, उसने उसकी बहन को मार दिया था इसी जगह पर। सुनो, इजाबेल और मुझे एडवेंचर पे आने में बहुत मजा आता था। हमें लगता था कि हम एक्सप्लोरर्स हैं और हम नई जगह की खोज करते हैं।
लेकिन एक शाम, उस शाम ने हमारी जिंदगी बदल दी। किसी ने हम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन हम जानते थे कि सच्चाई क्या है। इजाबेल और मुझे एडवेंचर्स पर जाना बहुत पसंद था। हमें लगता था कि हम नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, और वो शाम एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हम उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हमारी भेड़िए वाली बात पर किसी को भी यकीन नहीं था, क्योंकि जब तक इंसान किसी चीज को देख न ले, उस पर यकीन नहीं करता। उस शाम मैंने जो मंजर देखा, उस मंजर ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऊपर वाले ने कहा रोशनी होने दो, और वहां रोशनी हुई, और तभी अंधेरा और रोशनी यानी अच्छाई और बुराई अस्तित्व में आए। उसी अंधेरे में मैंने भेड़िए को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। तुम वही बुरा सपना हो जो मुझे सालों से सोने नहीं देता। कोई माने या ना माने, लेकिन तुम हो ये मैं जानता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे पकड़ना है, और इस बार तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारे अंत से ही मेरी शुरुआत होगी। तो वो पागल हो गया था। वो एक सनकी आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी बहन के कातिल को ढूंढने में। मेरा मतलब, उसने विज्ञान, भगवान और इन तस्वीरों को साथ लिया। तो हम सही हैं। उसे रोशनी नहीं अंधेरा पसंद है। हाँ, वो सिर्फ खून पी जीता है। वो खून पी जाता है। हाँ, किसी पैरासाइट की तरह। एकदम पैरासाइट की तरह। उसने क्यूनी का खून पिया है, अब सबका खून पिएगा।
प्लान क्या है? अब हमें यही रुकना होगा, रुक कर मारना होगा। उस काम को खत्म करते हैं जो जूलियस सार्पी ने शुरू किया था। मैं नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से चोट लगे। किसी को कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। एकदम सुपर हीरोज की तरह। क्या कहते हो रेज, सुपर हीरो बनना चाहोगे? हाँ चलो सुपर हीरो बनते हैं, पर मैं तो सूट बिल्कुल नहीं पहनूंगा। चलो रेडी हो जाओ, मजा आने वाला है। मुस्कान, हमारी शुरुआत। चलो ये कहानी खत्म करते हैं।
भेज जल्दी चलो। मुझे डर लग रहा है, घबराओ मत, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, कभी नहीं, वादा है मेरा। जो के लिए, जो के लिए। सात अक्षरों में मेरा नाम है। बिल्कुल सख्त मेरा मिजाज है, ना रोक सके मुझे कोई तूफान, राक्षस ना अजगर, वो भी बिना मेरे हथियार के। मेरे शब्दों पर ध्यान से विचार करो। पुण्य और बड़प्पन, देखो कुछ भी नहीं है डर के बिना। यहाँ तक कि राजाओं के राजा के लिए, जिसके पास सोने की तलवार हो, जो धन्यवाद करता है वही जीता है, और गरज कर शासन करता है,
बहादुरी, यही वो जवाब था उस पहेली का, और वही शब्द जो हमें जीना सिखाता है। एक आसान सा शॉर्टकट जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। किसी ने हमारा भरोसा नहीं किया। पर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो भी है वो सिर्फ हम ही हैं, हमारी दोस्ती और एक ऐसी सच्चाई जो हमारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी।
हूँ।